अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। भाई ये क्या सीन हो गया, खतरनाक वाला। वैसे अब कोई हैरानी नहीं होती, अब कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन भाई खतरनाक सीन है ये, जब भी होता है इंसान की सोच ना इधर उधर हो जाती है, बोलता है यार ये हुआ क्या हमारे साथ। भाई सीन ये है कि आपका भाई बैठा हुआ गाड़ी के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा था, रात के 12:30 बज रहे थे। अब आप लोग ये सोचेंगे भाई ये कौन सा टाइम हुआ, तो भाई हमारा कोई टाइम नहीं है काम करने का, हमारा काम कभी भी कहीं से भी शुरू हो जाता है। खैर मैं कोई एक वॉइस ओवर दे रहा था गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि घर के अंदर आपको पता है जब ये सर्दी का माहौल होता है तो सब कुछ बंद होता है, लाइटें पंखे सब, तो आवाजें इधर उधर की आ रही होती है। तो मैंने बोला यार गाड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन होती है, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के वॉइस ओवर कर रहे। भाई थोड़ी देर बाद आपके भाई ने देखा गाड़ी के अंदर से बहुत सारी बाइकें गुजर रही। मैंने बोला अल्लाह रहम कर दे, ये तो डके थे। मैं पीछे होके बिल्कुल ना सीट पीछे कर ली और बैठ गया आराम से, मोबाइल वोबाइल साइड में रख दिया। लेकिन भाई थोड़ी देर के बाद पता चला ये डकैत 8-9 डकैत थे, ये पीछे वाली गली में डकैती कर रहे थे। हाँ लड़के वड़के बैठे हुए थे, उन सबसे मोबाइल ले गए। मैंने बोला उस्ताद ये क्या सीन है, ये तो बड़ा खतरनाक सीन हो गया और आपका भाई यहाँ बैठ के मजे से रिकॉर्डिंग कर रहा। और भाई वो फुल टशन से आए थे, वहाँ पे जितने भी लड़के थे वो बता रहे भाई फुल टचन से आए, आराम से उतरे बिल्कुल तसल्ली से, जैसे उनके जितने भी ये सब मोबाइल हमने उनके लिए खरीदे हुए और उनको पता है कि भाई ये हमारे लिए मोबाइल खरीदे हुए, चलो मार्केट चल के ले लेते हैं। खैर वो आए और उन्होंने बोला भाई सबको कि भाई चलो शाबाश आराम से जो कुछ भी है निकाल दो तमीज से। इन्होंने क्या किया भाई, सबने जितने भी लड़के वड़के बैठे हुए थे 9-10, इन्होंने सबने अपने अपने मोबाइल और जो भी पैसे वैसे थे सब दे दिए। अब यहाँ पे मेरी सिचुएशन क्या है, अगली मतलब मेरे सामने वाली गली के डकैती हो रही है उसके अंदर, और आपका भाई बैठ गया रिकॉर्डिंग कर रहा है, उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहा है, वॉइस ओवर कर रहा है। और बस थोड़ी देर के बाद मैं बाइक नीचे करके एक सीट नीचे करके बैठ गया। मैंने बोला उस्ताद अगर ये मेरे पास आ गए ना तो ये मोबाइल भी जाएगा और ये गाड़ी की चाबी भी लेके जाएंगे और जो कुछ रखा है वो भी लेके जाएंगे। खैर भाई क्या क्या बताएं, अभी पेट्रोल भी खतरनाक वाला महंगा हो गया है, अभी एकदम इन्होंने रेट बढ़ाए, लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वीडियो के नीचे ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, कहते हैं भाई आप ना मतलब क्यों बताते हैं ऐसी बातें, मतलब कचरे के बारे में आप बता रहे होते हैं, आप गैस नहीं आ रही, तो भाई जो है वही है ना, वही बताएंगे ना, और क्या मतलब और क्या टॉपिक क्या है। मतलब पहले ना हम लोग ये होता था कि हमारे खानदान के अंदर जब भी कोई दावत होती थी ना तो एक नशिस्त लगती थी, नशिस्त का मतलब ये होता है गैदरिंग लगती थी, तो उस गैदरिंग के अंदर भाई फुल फ्यूचर की बातें होती थी, भाई अभी क्या गैजेट्स आने वाले हैं, क्या तरक्की होने वाली है, वो वाली बातें होती थी। अब जब भी हम बैठते हैं, जब भी कोई दावत होती है, पता है उसमें क्या बातें होती हैं, यही डकैती, पानी, गड्ढे खुदे हुए, ये भाई रोड खोद दिए, अब कोई फ्यूचर की बात ही नहीं होती। मतलब ऐसा एग्जॉस्ट कर दिया हमारे दिमागों को, ऐसा कर दिया कि बस अब हम कोई फ्यूचर की बात कर ही नहीं सकते, हम कोई टेक्नोलॉजी की बात कर नहीं सकते, हम ये डकैती, चोरी, ये गड्ढे, ये गड्ढे इन्हीं की बात करेंगे भाई। ये चीज़ है, देख रहे हैं ना आप, मतलब बंदा सुबह सुबह बाहर निकले तो सबसे पहले उनको डर लग रहा होता है कि भाई ये मतलब कोई आ ना जाए, आपके भाई भाई नहीं आ जाए, गरीब लोग, और फिर उसके बाद ये गड्ढे, अभी ये देखें ये गड्ढे, आइए ये गड्ढा हल्का सा हो गया ये। और रास्तों में भी बड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है भाई कि रात के वक्त इस रास्ते से मत जाना, हाँ सुबह चले जाना, रात में इधर ना सन्नाटा होता है, रात में कुछ छिन आ सकता है, तो ये सन्नाटे वाला रोड है, इधर से मत जाना। मतलब अब एक और भी सीन होता है भाई रात के वक्त, नहीं अब ये होता है कि भाई इस रोड से मत जाना, इधर गड्ढे बहुत है, तुम ना एक लंबा रूट ले लो, मसला नहीं है यार, लेकिन इधर से मत जाना, वो देखो वो गड्ढे बहुत है असल में ना, मतलब जाने वाले तो सही है, आने वाले बड़ा मसले मसाइल में पड़ जाते हैं, लेकिन जाने वालों को भी थोड़े से ये और ये गड्ढे मिलेंगे। ये क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। अच्छा हम लोग ना इन टॉपिक्स पर जब भी कोई वीडियोस बनाते हैं ना, फनी कंटेंट बनाते, तो तंजो मिजाक के उसमें लेके जाते हैं उसको ना, कि बस तंज भी हो और उसके अंदर थोड़ा सा फनी भी हो। तो खैर हमने एक वीडियो बनाई थी दो नंबर पाकिस्तान के नाम से, तो उसके अंदर ना लोग कमेंट कर रहे हैं भाई पाकिस्तान दो नंबर नहीं है, पाकिस्तान के लोग दो नंबर है। तो भाई यही तो मैसेज था हमारा उस वीडियो के अंदर, हमने यही तो दिखाया, शुक्र लोगों के अंदर इतनी अकल आ गई कि उनको अब समझ आने लग गई बात, दो नंबर पाकिस्तान इस वजह से उसका नाम रखा था कि पाकिस्तान के लोग दो नंबर है। भाई कोई मुल्क अगर दो नंबर होगा तो वो क्या अपने नाम से थोड़ी होता है भाई, उसके अंदर रहने वाले लोगों की वजह से होता है। चलो भाई आज भी सिग्नल ऑफ है, सिग्नल बंद हुआ है, और आज देखते हैं कि कौन निकलता है, अभी तक तो कोई भी नहीं निकला, सब इंसान के बच्चे बन के खड़े हुए यहाँ पे, ये बराबर वाले भी गाड़ी वाले सुकून से खड़े हुए हैं, ये आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये तीन बाशिंदे, ये देखें ये वो तो निकल गए आगे, चल मेरा भाई, ये एक बंदा निकल गया, इसको पकड़ के पीछे कर सकते हैं ना तो मजा आ जाता, ये देखिए ये गए खत्म, ये इस साइड वाले भी ये निकलने ही को, ये देखो ये निकल गए, क्या बात है, सुभान अल्लाह क्या बात है, सारे बाइक वाले शबाटर निकलते जा रहे हैं, ये एक और, चल मेरा भाई ये भी, ओहो ये तो भाई साहब रुके ही नहीं, क्या होगा भाई, ये बंदा भागता हुआ जा रहा,
चलो भाई फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके, लेकिन रास्ते में एक बड़ा खतरनाक सीन हो गया। एक बंदा बहुत देर से ताकुब कर रहा था हमारा, फुल रुमाल चुमाल लपेट के, फुल वो हमारा वो वाला, अगर आप लोगों ने गैंग ऑफ वसीपुर देखी होगी तो सरदार खान बिल्कुल वही वाला गेटअप, फुल भाई पलट पलट के देख रहा गाड़ी को। हो सकता है वो हमारा सब्सक्राइबर हो, फैन हो, लेकिन मुझे कुछ और ही सीन लग रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी हम पहुँच चुके हैं टेम्पल रन के, फुल यहाँ पर हम वॉक चॉक कर रहे हैं अभी सुबह सुबह। ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, क्या बात है। देखो ये तो ज़रूरी है ना, क्या है फ्रंट पे क्यों बैठता हूँ मैं, लेट भी आऊँ ना मैं आगे जाके बैठता हूँ। हाँ, क्या वजह पता है? आप फ्रंट बेंचर बन गए हो? नहीं, फ्रंट बेंचर मैं था पहले से, मैं मिड बेंचर था, लेकिन लड़कियां तुम्हें फ्रंट में देखो। यार फ्रंट में ये होता है, फ्रंट में ये होता है कि आप ना आप आगे जाके बैठ जाओ तो कुछ हो, समझ भी नहीं आ रहा ना, कुछ ना कुछ आ जाता है अंदर, तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ। सही बात है। अभी हमारी एक क्लास है प्रोजेक्टर पे है वो, लेकिन अभी हमारी लाइट ही गई हुई है माशाल्लाह, क्या बात है। ये व्हाइट कपड़ा आज पहन के आया हूँ, सब बोल रहे भाई क्या हुआ, आज शादी है क्या, क्या हुआ आज के निकाह में जा रहे हैं क्या, मतलब बंदा तैयार भी नहीं हो सकता यार, आज जुम्मा है क्या। चलो भाई फाइनली अल्लाह अल्लाह करके क्लास हो ही गई, हमारी लाइट आई थी फिर चली गई थी, लेकिन हमने जुगाड़ कर ली थी, हमारे पास छोटे छोटे स्पीकर पड़े हुए होते हैं, ब्लूटूथ रखे हुए होते हैं पड़े हुए, तो फिर एक अहमियत ख़त्म हो गई ना, रखे हुए थे तो हमने जुगाड़ कर लिया। एक तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा भाई वो बंदा जो है वो पीछा कर क्यों रहा था, समझ से बाहर है अभी भी। मैं ना बस अब तो ये रूटीन हो गई है, जब भी मैं गाड़ी में निकलता हूँ साइड मिरर बैक मिरर बार बार देखता रहता हूँ कि यार कोई पीछा तो नहीं कर रहा है सर, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है भाई पीछे पीछे जाम गाड़ी रोक दे वहाँ आ जाए, चल भाई मोबाइल निकाल, मतलब सॉरी वो बड़े भाई बड़े लोग जो हैं गरीब लोग मांगने आ जाते फ़ौरन, मतलब इज्जत देनी पड़ती है यार, ऐसे थोड़ी बेइज्जती करते हैं हम उनकी, तो वो ना आ जाए फिर। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ क्या बोल रहे हो कबीर तुम? गली में डर लगता है आपकी तो, रात में। बेटा तुम्हें पता है रात में डरना मत करो, कल डकैती हुई 8 बंदों ने, 8 चोर आए थे एक साथ और पीछे वाली गली के अंदर डकैती हो गई। ओ अभी भी कोई बेटा ओवर एक्टिंग चलो तुम्हारी बेटा, तुम अभी घर के अंदर हो, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, किधर आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। अब तो हर बंदा आता हुआ तुम्हें डकैत लगेगा बेटा। चलो ये 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 बिस्किट इधर दे दो, ये तुम चलो चलो ऊपर चलो, शाबाश 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 शाबाश। सच कहते थे हम। हाँ भाई 12 प्रो मैक्स। हाँ भाई लकड़ियाँ ले रहे हैं, पड़ी लकड़ी नहीं है ये खरीद रहे हैं हम खुद। हाथ से उठाओ, हाथ से उठाओ, जीते रहो बेटा जीते रहो, रख दो। शाबाश शाबाश, चलो 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 काम करो काम करो, जल्दी जल्दी लकड़ियाँ उठाओ, शाबाश शाबाश। जब लकड़ियाँ खरीदनी है तो अब लकड़ियाँ डालो भी, फिर समझ रहे हो बात को, तुम नहीं समझोगे जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम इस बात को समझोगे कि लकड़ी का मतलब होता क्या है बेटा। चलो चलो डालो डालो जल्दी जल्दी, शाबाश। कैमरा खुलते एनर्जी आ गई फौरन। ये अभी हमारे साथ सोनू भाई मौजूद है और मैं डकैत बना हूं। सोनू भाई मोबाइल निकालो, बल्कि एक मिनट छोड़ दो मोबाइल वोबाइल छोड़ो, कैप उतारो आप। अबे ये क्या गाने वाने सुन रहे हो यार सोनू भाई यार। हाँ उतारो था, ओए ओए बस सही, यही देखना था, ये डाकू जो है ना अभी ये गंजापन देखना चाहते, समझ आ गई। आप पता है गाय गाय के बच्चे लग रहे हो आप, छोटे गाय नहीं होती बच्चा जो देती हमारी गाय खड़ी हुई वैसे लग रहे हो। ये क्या नज़र का टीका लगाया हुआ आपने कहाँ पे? ये होंठों पे। तुम क्या हो? ये होंठों पे की क्या लगाया हुआ आपने? सुनो भाई क्या चल रहा है यार ये? मैं अच्छा ये मैं अच्छा क्या अच्छा है? ये क्या बताऊँ, आपस की बात है, आपस की बात है, ये देख लो ये गलत हो रहा है, आपस की बात है, ऑडियंस को नहीं बता सकते। अच्छा ये गलत बात हो रही है, मतलब कुछ और है ये कुछ और क्या मूछें आ रही है आपकी, दाढ़ी आ रही है? ये कुछ खाया अभी। चले खैर भाई अभी हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए और हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आते तो क्या करते हैं यार, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट और क्या करते हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस करते? सब्सक्राइब बेल आइकन कैसे प्रेस करते हैं, यूं या यूं? यूं यूं करते हैं, बेल का जब वो बजता है ना दो मर्तबा, वो दो मर्तबा होता है सही है। काला काला क्या लगा बता आपके यार? वो बिरयानी खाई थी शायद। अबे बिरयानी फोड़ के आ रहे हो? अबे यार हमारे लिए नहीं लाया बिरयानी, बिरयानी पार्सल का इंतजाम नहीं है, थैली खत्म हो गई थी, हमने बोला था लंगर, लंगर में गए थे, लंगर में नहीं गए थे, रेस्टोरेंट में था, रेस्टोरेंट में लंगर वो बोला था जब वो लोग आए नहीं तो हम लोग क्यों दें उनके। चले खैर हो गई कोई बात नहीं, हम पैसों से खा लेंगे अपने, कोई मसला नहीं, आपने मुफ्ते में खाई होगी ऐसी बात सही है।